वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को काइन मास्टर से वीडियो कैसे एडिट करते हैं वो बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और एक एक चीज देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिट करनी है। चलिए तो कुछ नया सीन ओपन करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर हम जाएंगे ये वाले बटन पे, इसको क्लिक कर देना है। फिर इस पे जाना है एम्प्टी प्रोजेक्ट पे, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो हमारा बटन दिख रहा है मीडिया प्लेयर मीडिया ब्राउजर, तो इसको टच करना है। फिर उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए हैं, बैकग्राउंड फेवरेट कोड स्टोरेज वगैरह, ये अभी नहीं लेना है, पहले हमको लेना है अपना बैकग्राउंड। तो मैंने ले लिया बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ येलो। तो बस इस पर मैं इस तरीके से यहाँ से लेंगे तो ऐसे इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है। ये हो गया। तो अब हम जाएंगे ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसमें हमको कुछ अगर ये मीडिया है, इफेक्ट है, ओवरले, टेक्स्ट और हैंडराइटिंग। सबसे पहले हम लेते हैं टेक्स्ट। अब आपको जो लिखना है, जैसे मैं अपना लिख दूंगी यहाँ पे GUDIYA, गुड़िया लिख दिया मैंने और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। बस इसको बड़ा करना है तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा, और छोटा करना है तो ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसे इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं, और ये यहाँ जो राइट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो कलर का ऑप्शन है इस पर दबा देना है। अब मैं ले लेती हूँ रेड कलर। अब रेड कलर यहाँ आ गया है तो बस इसके राइट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। देखिए रेड हो गया। अब इसको सेव करने के लिए ये जो राइट है इसको क्लिक कर देना है। हमारा गुड़िया सेव हो गया है। अब इसी लेयर पे दोबारा जाते हैं तो ये रहा मीडिया का ऑप्शन, हमको जाना है मीडिया पे। अब आप अपना जो फोटो लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं ले लूँगी यहाँ से, कैमरे पर जाती हूँ तो मैंने ले लिया जैसे ये वाला फोटो, तो ये फोटो आ गया है। तब इसको हमको छोटा करना है, बड़ा करना है, कहीं भी सेट करना है आप कर सकते हैं। अगर ये जैसे गुड़िया मैंने लिखा हुआ है उसको अगर नीचे खिसकाना है तो उस पर दोबारा क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए ये नीचे खिसक गया। तो फिर उसके बाद फिर से इसको यहाँ राइट क्लिक करना है तो वो वहां सेव हो गया। और फोटो को फिर से बड़ा छोटा करना है तो फिर से हम फोटो पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके। अब इसको हमको सेव करना है तो ये जो राइट का ऑप्शन है इसको फिर से क्लिक करना है। आपको अगर कुछ भी इमेज या टेक्स्ट वगैरह को बड़ा छोटा या कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप उस पर दोबारा इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं ऐसे, और सेव करना है तो ये रहा राइट का। और जैसे ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है आपको, तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये येल्लो, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे कलर के, तो कलर पे जाना है। अब आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया पिंक। अब यहाँ जो राइट का ऑप्शन है उस पर राइट करना है इस तरीके से, ये देखिए पिंक आ गया। तो उसको सेव करने के लिए ये राइट का ऑप्शन इस पर क्लिक करना, ये हमारा सेव हो गया है। अब हमको लेना है जैसे वीडियो करना है और फोटो लेना है, तो अब हम लेयर पे ना जाते हुए लेयर पे अगर जाएंगे तो वो ऊपर वीडियो या इमेज ऊपर सेट हो जाएगी। हमको जाना है इसके साइड से लेना है। तो हमको क्या करना है, पहले इसको ये प्ले का बटन ऑन करना है और ये जो जो सेव किए फोटो और नाम, तो इसको पहले आगे कर देना। ये ऑटोमेटिक आगे हो गया प्ले बटन से। तब जाना है हमको मीडिया ब्राउजर में। अब इसमें से आपको कोई सी भी वीडियो ले लेनी है। अभी मेरे पास इसमें वीडियो नहीं है तो मैं फोटो ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये फोटो लिया है, ये आया। फिर से जाना है मीडिया ब्राउजर पे, तो फिर से कोई सा फोटो लेना है तो ये ले लिया। इस तरीके से फोटो हमारे सेव होते जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के लिए दो ले लेती हूँ। तो चलिए हमारा आ गया है, तो हम फिर से प्ले बटन करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ से पुश करेंगे इसको, ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ज्वाइंट का, तो यहाँ आपको इफेक्ट डालना है तो आप इस पे
क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ कितने सारे ऑप्शन आपके लिए आ जाते हैं, तो आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए मैं ले रही हूँ 3D ट्रांजेक्शन। आप देखिए इसमें इतने सारे ऑप्शन आए हैं, आप कोई सा भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इफेक्ट के लिए, ये ले लिया मैंने क्रैक्ड ग्लास का। तो इसको यहाँ पे राइट पे आपको आप इस तरीके से देख भी सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, अगर आपको क्लिक बाद में करना है पहले आप देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है इस तरीके से। तो सेव करना है तो आप इसको राइट पे क्लिक कर सकते हैं, ये सेव हो गया है। चलिए मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सेव हो गया। अब ये जो दूसरा आ रहा है हम इस पर दूसरा ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ प्रेजेंटेशन में, इसमें बहुत अच्छे इफेक्ट है। तो ये ले लेती हूँ मैं क्लॉक वाइप का। आप ये देखिए इस तरीके से, पहले आप एक बार देख लीजिए ये इस तरीके से ओपन होगा। तो हमको अगर इसको सेव करना है तो ये राइट का बटन इसी पे फिर से प्रेस कर देना है। तो मैं इसको भी एक बार आपको चला के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है। तो रही अब इसमें म्यूजिक कैसे हमको एड करना है, जो फ्री म्यूजिक है वही है तो उसको आपको कैसे एड करना है। तो देखिए इस तरीके से ये रहा ऑडियो हमारा, इस पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको जो म्यूजिक उन्होंने दे रखे हैं वो आप डाल सकते हो। वॉइस का मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी धीरे धीरे वो जो बाहर की नॉइस है वो भी कैसे हम लोग बंद करते हैं वो भी दिखाऊंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखती रहिए, आपके काम की होने वाली है। फिर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये रहा फ्री म्यूजिक, तो मैं ले लेती हूँ ये वाला। इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है हमको एक बार इसको इस तरीके से दबा, तो देखिए ये म्यूजिक आ गया है। तो एक बार मैं आपको सुना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको इसका म्यूजिक बढ़ाना है तो आप ये इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आ रहा है ये ऑप्शन इसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये जो 100 दिख रहा है तो ये भी 100 का है, अगर हमको इसको और ज्यादा तेज करना है तो 100 को कर देना है 200 और ये कम प्रेशर पे ऑन कर देना है इस तरीके से यहाँ पे, और राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको म्यूजिक और ज्यादा तेज सुनाई देगा, तो देखिए सुनाई दे रहा ना बस इसी तरीके से। अब मैं इसको पुश कर देती हूँ। अगर आपको इसका म्यूजिक कम करना है तो फिर इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको बिल्कुल माइनस कर दीजिए। मैंने 26 कर दिया और इसको यहाँ से अनेबल कर दीजिए। तो बस इस पे फिर राइट क्लिक करना है। मैं दोबारा आपको सुनाती हूँ इसकी। तो ये देखिए इसकी आवाज कम हो गई ना, तो बस इसी तरीके से करना है। मैंने इसको पुश किया। अब जैसे आपको ये जो म्यूजिक मैंने अभी सेट किया उसको सिर्फ आपको इतने ही मैं लेना है, ये जो जॉइंट का निशान है इसके आगे तक लेना है। तो आपको इस पर दोबारा क्लिक करना है इस तरीके से। आपको यहाँ कैंची दिखाई दे रही होगी, ये तो आपको कैंची पे करना है। तो ये देखिए फर्स्ट ये इस साइड जो कैंची दिख रही है, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेड, तो आपका जो फर्स्ट तरफ का म्यूजिक है वो आपका कट हो जाएगा। और सेकंड वाले में ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड, मतलब आपका इस साइड वाला कट हो जाएगा। और स्प्लेड एट प्लेड मतलब बीच में जो है, जैसे ये है जॉइंट, इसके बीच में जो म्यूजिक रहेगा उसको वहां वो पुश कर देगा, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस साइड ये बीच वाला ऑप्शन आपको बताती हूँ। ये ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये वहां से कट हो गया है और इसको यहाँ से राइट कर देना है। तो मैं कर दूंगी जरा सा।